हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहूँगा जिनका चैनल 2019 में मोनेटाइजेशन हो चुका है और वो उससे अर्न कर रहे हैं। और जिनका चैनल मोनेटाइजेशन हो चुका है वो तो मेरी वीडियो पूरी लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर वो वीडियो नहीं देखेंगे तो हो सकता है वो लॉन्ग टाइम तक अर्न ना कर पाएँ और उनका मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाए। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और जो नए सब्सक्राइबर या नए यूज़र हैं जो मेरे चैनल पे आए हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलते रहे और यूट्यूब की नॉलेज आपको होती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि मोनेटाइजेशन डिसेबल होता कैसे है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, आजकल मैं कुछ ऐसे चैनल देख रहा हूँ जो मोनेटाइजेशन हो चुके हैं, लेकिन मोनेटाइजेशन के पहले क्या था कि वो रियल कंटेंट डालते थे अपने व्लॉग का। लेकिन अभी क्या है कि उनका मोनेटाइजेशन हो चुका है तो वो कॉपीराइट कंटेंट डाल रहे हैं मिक्स करके, ठीक है, सॉन्ग मिक्सिंग की एडिट करके उसको जो है अपलोड कर रहे हैं। इसमें क्या है कि वो स्पीड से अर्न तो करना चाह रहे हैं, लेकिन महीने दो महीने, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ऊँचाइयों पर जाने के बाद फिर आप बहुत ही स्पीड से नीचे आएंगे। कहने का मतलब यह है कि जब कॉपीराइट क्लेम आपको लग जाएगा ना, तो डिजेबल जो है वो जो आपका मोनेटाइजेशन एनेबल है वो डिजेबल हो जाएगा। तो आप जब आपका जो स्लो स्लो आ रहा है ना, अर्न इनकम हो रही है स्लो स्लो मोशन में, वो भी आना बंद हो जाएगा, तो आपका चैनल कहीं का नहीं रहेगा। तो आप जो अगर रियल कंटेंट डाल लें ना आप व्लॉग का, तो आप वही डाला करें, इससे आपका क्या है, आपका मोनेटाइजेशन सिक्योर रहेगा। सेकेंड आपका है कि मिसबिहेव कमेंट्स। किसी की वीडियो को हमने वॉच किया और कमेंट्स हमने उसको ऐसा दे दिया जो हमारे ख़िलाफ़ है, लोगों के ख़िलाफ़ है और यूट्यूब के ख़िलाफ़ है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसने अगर आपके चैनल को रिपोर्ट कर दिया, ठीक है, तो एक्शन ले सकते हैं यूट्यूब की तरफ से आपके चैनल पर। तो इससे भी आपका चैनल जो है वो मोनेटाइजेशन डिसेबल कर सकता है। थर्ड हमारा है कि मान लीजिए हम किसी की लाइव को ज्वाइन किए, हमने किसी की लाइव को ज्वाइन किया और उसमें हमने स्पैम वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, ठीक है, स्पैम वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज कर लिया, तो वहाँ पे और बंदे एक्टिव हैं, ठीक है, और बंदे एक्टिव हैं जिनको आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा बुरे लगे और स्पैम भी है, तो वो अगर रिपोर्ट करते हैं ना आपके चैनल को आपके कमेंट्स को लेके, तो इस रीज़न में आपका क्या होता है कि मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों से आप बचें, इन सब चीज़ों से अगर आप बच गए तो आपका जो अर्न है बहुत लॉन्ग टाइम चलेगा और मोनेटाइजेशन आपका ऑलवेज़ इनेबल ही रहेगा। और ऐसे बहुत से जो है कि पर्पज़ हैं बंद होने के मोनेटाइजेशन, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो सभी लोग नहीं बताते हैं, मैं आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये सब चीज़ें अगर नहीं करेंगे तो आपका चैनल बहुत आगे तक जाएगा और आपका ऑलवेज़ इनेबल रहेगा मोनेटाइजेशन। थैंक यू सो मच।